पुरुषोत्तम मास में किए हुए सत्कर्मों को भगवान पुरुषोत्तम को ही समर्पित कर देना चाहिए। तुदीय वस्तु गोविंदा, आपके माध्यम से जो हम आपकी कृपा से जो हम कर सके समस्त सर्वस्व आपके ही चरणों में समर्पित। रीजन, वजह, कारण, भगवान को अर्पण की हुई कोई वस्तु लाखों गुनाहों के वापस हमको प्राप्त होती है। इसलिए पुरुषोत्तम मास में आप जितना भी सत्कर्म करें, जितना भी सत्कर्म करेंगे उसका फल कई गुना मिलेगा, और भगवान के चरणों में अगर अर्पण कर दिया तो और उसका फल बढ़ जाएगा। बहुत सौभाग्य का विषय है श्री वृंदावन की पावन धरा पर हम यहां बैठकर श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे हैं। आप और हम कहीं ना कहीं किशोर जी की कृपा पात्र हैं, तभी संभव है, नहीं तो कहां संभव हो पाता है। भागवत क्यों सुननी चाहिए, कई लोग पूछते भी होंगे। बहुत से लोग कहते हैं हमने इतनी भागवत सुन ली, हमें क्या दिया भागवत ने, भागवत हमको क्या दिया है, इतनी भागवत सुन ली हमने। तुम अभी तक जिंदा बैठे हो और ये क्वेश्चन कर रहे हो कि भागवत ने हमें क्या दिया है, समझ ले यही भागवत ने दिया है कि तू जिंदा है, अभी तक जिंदा है। देखो, संसारिक व्यवहार के कोई कार्य जब आप करते हो तो आपको वो प्रत्यक्ष दिखते हैं। जैसे आपने खाना खाया तो आपकी भूख मिट गई, प्रत्यक्ष में दिखा, अनुभव किया। आपने जल पी, आपकी प्यास बुझ गई, आपने अनुभव किया। आप सो गए, आपको नींद आ गई, आप फ्रेश हो गए, ये आपने अनुभव किया। परंतु जो परमात्मा के लिए आप कोई कार्य करते हो वो आप सेम टाइम फील नहीं कर पाते, और कई बार तो हम फील ही नहीं कर पाते, वो हमारे ऊपर अपना असर करके चला भी जाता है। कई बार तो हम अनुभव ही नहीं कर पाते इन चीजों का कि हमारे इस सत्कर्म का ये फल मिला कि हम पर ये मुसीबत आनी थी, हम इससे बच गए। आप अगर कोरोना में जिंदा हैं तो समझ लीजिए ये भी गोविंद की ही कृपा है, आपके उन सत्कर्मों का फल है जो आपने अपने जीवन में संग्रह किया है। भागवत क्या करती है, भागवत आपको निर्भय करती है। क्या करती है, जोर से बोलो, निर्भय। और वो व्यक्ति बड़ा अच्छा होता है जिससे किसी का भय नहीं होता है, और ऐसे लोग कमी हैं, सबको किसी न किसी चीज का भय है, ऐसा कोई नहीं है जिसे भय नहीं है। लेकिन जिसे भय ही ना हो फिर उसे किस बात की चिंता, वो तो अपने आप में मस्त है।